जाए कहाँ रे लहराए पानी में। नमामि गंगे तौ पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम भक्तिम मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहरा पानी में जैसे धूप छाओरी। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहरा पानी में जैसे धूप छाओरी। हिमालय के गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकल ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार तथा प्रयाग के संगम और धार्मिक नगरी वाराणसी के घाटों से होते गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गंगा। देश के बड़े भूभाग को उर्वरक करने वाली जीवन दायिनी गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। तभी तो गर्व से हम कहते हैं कि सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। चाहे गंगोत्री से भागीरथी व बद्रीनाथ से अलकनंदा का मिलन स्थल देवप्रयाग हो या ऋषिकेश हो, जंगलों पहाड़ों के बीच गंगा की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। फिर हरिद्वार की संध्या आरती तो अलौकिक एहसास कराती ही है। प्रयाग में यमुना और सरस्वती के साथ संगम तथा वाराणसी के खूबसूरत घाटों से गुजरती गंगा की कलकल छलछल बहती धारा बड़ा ही मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरे। गंगा पूरी दुनिया में अपनी शुद्धता और पवित्रता के लिए जानी जाती है। विज्ञान भी मानता है कि इसके जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज हानिकारक विषाणु और सूक्ष्म जीवों को मार देता है। फिर इसमें ऑक्सीजन को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता भी है। तभी तो इसके जल का लंबे समय तक संचयन संभव हो पाता है। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इतनी ममता नदियों की भी जहां माता कह के बुलाते हैं, गंगा मैया सबकी मुरादें पूरी करती हैं। मिन्नतें करके तो देखिए। कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र जब श्रापवश भस्म हो गए तो उनके वंशज राजा भगीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा शिवजी के जटा से मुक्त हो अवतरित हुई और उन पुत्रों का उद्धार हुआ। फिर तो गंगा निरंतर प्रवाहित होती रही। तभी तो अपने प्रिय पात्र के दीर्घायु होने की कामना कुछ इस तरह की जाती है। I'm not afraid of the dark.
कहाँ आसान है गंगा हो पाना, मन को निर्मल और शीतल रख पाना, दूसरे के पाप को अपना कह पाना, सारे जहां की गंदगी को अपने में समाहित कर पाना। अफसोस, तथा कथित सभ्यता के विकास के साथ हम निरंतर असभ्य होते गए। हमने गंगा में अपने पापों को धोया, शहर की गंदगी, कारखानों के मलबे, यहाँ तक कि पशुओं व मानवों की लाशों को भी गंगा में प्रवाहित किया और तब चित्कार कर उठी गंगा मैया की अंतरात्मा भी। आम जनता, खासकर युवाओं की भागीदारी के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के साथ वनों एवं जीवों का संरक्षण कर इसकी धारा की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लाई गई केंद्र सरकार की दीर्घकालीन योजना का नाम है नमामि गंगे। आइए मिलजुल कर इसे सफल बनाएं। बचाकर रखना गंगा को जरूरत कल भी होगी, यकीनन आने वाली पीढ़ी इतनी पाक भी न होगी। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो।